जो विरोध मार्च कर रहे हैं, पहले वो 15 साल के इतिहास उलट ले और इस सुशासन की सरकार में घटना होती है तो तुरंत तो उद्भेदन होती है। अरे कौन बेबस है? उसमें स्वयं बेबस थे पहले, मुख्यमंत्री बेबस है, आज मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री बनते। वो आज नीतीश कुमार हट गए उससे तो रोड पर आ गए। आज नीतीश कुमार जो था वही है और आगे भी रहेगा। वीआईपी सुप्रीमो के पिता जीतन सहनी के हत्या पर जब रत्नेश सदा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये सुशासन की सरकार है, उन्हें अपने काल को याद करना चाहिए। जब कोई भी मामला हो जाता था और पुलिस के थाने के चक्कर लगाने पड़ते थे लेकिन मामला संज्ञान में नहीं आता था, लेकिन वहीं आज ये सुशासन की सरकार है। जब भी कोई घटना घटती है तो उद्भेदन 24 घंटे में होता है। किस तरीके से पुलिस जीतन सहनी मामले में इस वक्त एक्टिव मोड पर बनी हुई है और मामले की तहकीकात कर रही है और रत्नेश सदा ने क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। सबका अपना अपना विचार होता, अपना 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 काम है, सब दल का जनता के बीच जाने में और जनता की आवाज़ को रखने में। लेकिन जो विरोध मार्च कर रहे हैं, पहले वो 15 साल के इतिहास उलट ले और इस सुशासन की सरकार में घटना होती है तो तुरंत उद्भेदन होती है और तुरंत कार्रवाई करके उसको जेल भेज, उसके संग में ऐसा नहीं होता। मुख्यमंत्री को लोग कह रहे हैं कि काफी बेबस मुख्यमंत्री है, लाचार मुख्यमंत्री है, तेजस्वी यादव हर रोज क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। अरे कौन बेबस है? उसमें स्वयं बेबस थे पहले, मुख्यमंत्री बेबस है, आज मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री बनते। वो बेबस है, उन्हीं के लोग कहता था परिस्थिति का मुख्यमंत्री। आज नीतीश कुमार हट गए उससे तो रोड पर आ गए और परिस्थिति का मुख्यमंत्री कहते हैं नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया। कहाँ गया उसका इकबाल? आज नीतीश कुमार जो था वही है और आगे भी रहेगा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में आप देखिएगा 2025 में सबको सुखड़ा साफ करते। 2005 से पहले स्वर्णिम काल था, विपक्ष कह रही है 2005 से पहले स्वर्णिम काल था। कौन काल था? लूट का, अपहरण का, हत्या का, SC ST पर अत्याचार का, बाथे नरसंहार का, वही नरसंहार। अरे भाई वही स्वर्णिम काल होता, दलित पर अत्याचार होता था, सामने माँ बेटी को इज्जत लूटा जाता था, वही स्वर्णिम काल लौटाना चाहते हैं जगदा बाबू। BJP के विधायक ने भी सवाल खड़ा किया है, कहा है बिहार का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं ललन पासवान। ललन पासवान को अपने कोई ठिकाना नहीं, कभी इस घर कभी उस घर मुख्याल फिरता है। ललन पासवान देखा है कहाँ क्या नीतीश कुमार क्या है? गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल लालू प्रसाद, अब उसका व्यक्तिगत राय है, मिलने के लिए गए हैं, वो उसका अपना समझ है, लेकिन मेरी समझ से अपने काम कर रहे हैं और दल से कोई गड़बड़ी तो नहीं किया है। वो गए हैं मिलने के लिए, बड़े नेता से मिल सकते हैं, अगर मन में उसको क्या है नहीं है वो तो अपना जाने। क्या लग रहा है जदयू के एक विधायक जो है जदयू छोड़कर के जा रहे हैं, इससे पहले कहां पर जा रहे हैं? बीमा भारती चली गई, अब गोपाल। अरे भाई बीमा भारती चली गई तो उसका हर्ष क्या हुआ? लोभाभी चक्रधर कथा पढ़े हो? लोभ के में कहावत है, गए चौबे बन चौबे गए छब्बे छग्गे बनने के लिए, फिर आगे जीरो पर तो वह गए थे MP बनने के लिए। MP बनने के लिए गए तो वो वहाँ जमानत भी जब्त हो गया, फिर विधानसभा से लड़े वहाँ भी से जीरो पर आउट हो गए। तो बीमा भारती और कौन कौन जाते हैं उसका अपना मर्जी है, और देखिए वो रोड पर आ गए। है तो हम भी अपने विभाग का समीक्षा नहीं करते, पूरे देश का पूरे बिहार का मुख्यमंत्री है तो उसको देखेंगे नहीं? तो आप लोग भी मान रहे हैं कि बिहार में अपराध बढ़ा है? कोई अपराध नहीं बढ़ा है, ग्राफ उल्टा कर देखिए 2005 से पहले 2005 के बाद।